हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 18 फरवरी मंगलवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकें, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आज आपके आय के नए स्रोत सामने आ सकेंगे। आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। खास तौर पर जो लोग साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं उन छात्रों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेंगे। आपको अपने माता पिता के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आज बिजनेस में कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत रहेंगे। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं जा सकोगे तथा मीन राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहेगा। आज के दिन आप किसी समस्याओं से छुटकारा पा सकोगे। इसके साथ साथ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ऑफिस में आज किसी बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपको लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज के दिन आप सुबह उठकर जॉगिंग पर जाने से पहले आप अपने आप को एक बार जरूर आईना में देख लें। इससे दिन भर आप खुद को तरोताजा महसूस करोगे और आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेंगे और किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदे होंगे। कुछ लोग आपकी उदारता को पसंद कर सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी बने रहेंगे। आज दोस्त आपसे किसी काम के लिए मदद मांग सकते हैं। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होंगे और किसी नई तकनीकी से आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावना दिख रही हैं। उत्पादन कार्य तेजी से गति करेगा। आज अपने जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बना सकोगे। आपको संतान सुख का लाभ मिलेगा। जो लोग संगीत या गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी बड़ी जगह परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने वाली है। आप अपने ऑफिस में आसपास के लोगों से संभल कर रहे हैं। आप अपने सहयोगी, अपने सहकर्मी और आसपास जितने भी कार्य कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अतः जितना हो सके आप अपने कार्य को खुद से करने का प्रयास करें। आज किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेंगे। आप अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकोगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बिजनेस में आपको विरोधियों से बचकर रहना होगा। आप खुद को फिट रखने के लिए योग कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य रिश्तों में मिठास आएंगे। कारोबार में बरकत होंगे। आज आप अपना ध्यान किसी नए काम में लगा सकोगे। करियर के मामलों में चीज़ें बेहतर होने के आसार हैं। आज सेहत के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए और किसी बड़ी डील करने से आपको पहले सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। घर वालों के साथ आप किसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा आज बिना किसी बात को लेकर आप बहस न करें। ज़रूरतमंद को भोजन करवाएं, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगे। आज आपके कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होंगे जो आपके करियर के लिए मददगार रहेंगे। आप परिवार वालों की इच्छा पूरी करेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। आपको किसी नए बिजनेस व्यापार का प्रपोजल मिल सकता है।
जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेंगे। आज आपके सकारात्मक सोच किसी के लिए हितकारी साबित होंगे। आज आपको किसी शादी में समारोह में जाने का अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होंगे। आज दूसरे लोग भी आपके काम की खूब तारीफ करेंगे, जिससे आप खुद को गर्व से महसूस कर सकोगे। आपको अपने घर के कामों में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। और कोई बड़ी डील या किसी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ें। बड़े बुजुर्गों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़ा मामला आपके पक्ष में होंगे। आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी निकल सकेगा। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेंगी। ऑफिस में कोई नया काम मिल सकता है, जिसे पूरा करने में आप काफ़ी सफल रहेंगे। शाम को परिवार वालों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होंगे, जिससे पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल बना रहेगा। माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान कर सकोगे। इसके साथ साथ जो लोग मीन राशि के हैं और मैनेजर के पोस्ट पर हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स को काम की पूरी सफलता मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस में अपने सीनियर से प्रोत्साहन मिलेगा। आपका दिन कुल मिलाकर बेहतरीन रहेंगे। आज किसी काम के सिलसिले से आपके द्वारा की गई यात्राएं काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर का खुशी का माहौल बना रहेगा। आज आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होंगे। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में विचार करेंगे। ऑफिस में आपके जूनियर आपके से काम सीखना चाहेंगे। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेंगे। आज आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। कुल मिलाकर आपका दिन काफ़ी उत्तम रहेंगे। आपकी यात्राएँ सुखद रहेंगे। आज कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ ज़रूरी कार्य पूरे होंगे। आसपास के लोगों से आपको कुछ नई बातों को सीखने को मिलेंगे। जीवन साथी की अपेक्षाएं पूरी होंगे। आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। मित्रों से मिलने आप उनके घर जा सकते हैं। आपकी दोस्ती और भी अधिक मजबूत होंगे। आज आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनोगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज जीवन साथी के साथ आप अच्छे समय व्यतीत करोगे। कार्य क्षेत्र में लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बच्चे माता पिता के साथ मंदिर जा सकेंगे। बायोलॉजी के छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहेंगे। आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल होगा जिसके आपको बहुत दिनों से तलाश थे। आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेंगे। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको बिजनेस में आज तेजी में वृद्धि होंगे। आज आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। आज किसी ज़रूरी कार्य में आपको अपने भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आप परिवार के साथ कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठा सकोगे। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। हर जगह आपके प्रशंसा होंगे। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतरीन रहेंगे। आज आपको मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेंगे। आपको सभी कार्यों में सफलता हासिल होंगे। आज के दिन आप तरह तरह की योजनाओं को बना सकोगे। आपकी योजनाएं सफल रहेंगे। आज अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, या फिर आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे। सारे परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। लोगों के मुख से आपकी तारीफें होंगे। आज के दिन कई योजनाएं आपके सफल रहने वाली हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे दूसरे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस चैनल पर क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उस चैनल पर हमारे द्वारा आपको बहुत सारे अच्छे उपाय बताए जाते हैं, जिनको कर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अतः आप हमारे उस चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बताई जाने वाली जानकारियों को सोच समझ और जानकर आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।
हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों आज 18 फरवरी मंगलवार का दिन है, ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकें, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल